वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं करने वाली हूँ चैलेंजेस। आप 5 मिनट क्राफ्ट्स की वीडियो तो आपने देखी होगी, उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट हैक्स बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, जिसको यूज़ करके आप अपना टाइम बचा सकते हैं और वो ट्रिक्स उनके अकॉर्डिंगली यूज़फुल हैं क्योंकि वो आपका टाइम सेव करती हैं और जल्दी से आपका काम हो जाता है। मैं आज जो ट्रिक्स यूज़ करूँगी वो मेकअप हैक्स से रिलेटेड होंगी, यानी मेकअप या स्किन केयर से रिलेटेड जो उनके हैक्स हैं मैं उनको यूज़ करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि वो इफ़ेक्टिव हैं वाकई में या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले मैं जो हैक यूज़ करने जा रही हूँ वो है मस्कारा के बारे में, कि अगर आपका मस्कारा ड्राई आउट हो गया है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आप उसको 1 to 2 यूज़ किस तरह से उसको फ्रेश कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी कि वो वीडियो में किस तरह से करते हैं, आप वो वीडियो देख लें फिर मैं आपको वो करके दिखाऊंगी। ठीक है, अच्छा तो ये मेरे पास मस्कारा है, ये एसेंस का प्रिंसेस लैश मस्कारा है मेरे पास। मैं इस मस्कारा को आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल ड्राई आउट हो चुका। अब मैं इनका हैक यूज़ करूँगी। मैं क्या करूँगी, ऑलिव ऑयल लेकर उसके 3 to 4 ड्रॉप्स में ऐड करूँगी और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि ये काम करता है या नहीं करता। ये है ऑलिव ऑयल, अब मैं इसके लूँगी 3 to 2 इतने से इसके ड्रॉप्स लूँगी। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसको मैं शेक करूँगी। अच्छा तो मैंने अब इसको अच्छी तरह से शेक आउट कर लिया है, अब मैं इसको चेक करूँगी। पहले इसके इफेक्ट्स इस तरह के थे, थोड़ा सा चेंज आया, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है। को अप्लाई करके देखती हूँ मैं। आप देख सकते हैं डिफरेंस इस आई का और इस आई का, तो थोड़ा बहुत तो काम कर रहा है, कम्प्लीटली नहीं भी कर रहा तो इट्स फाइन। अच्छा तो जो नेक्स्ट हैक है वो हम ट्राई करेंगे कि ग्लिटर्स किस तरह से अप्लाई किए जा सकते हैं। आप वीडियो देखें और फिर मैं उस हैक को ट्राई करके आपको दिखाऊंगी। अब मैं क्या करूँगी, वैसलीन लूँगी या कोई भी आप लिप बाम ले लें और उसका जो ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा है उसको अपनी आईलिड पे अप्लाई करें। हो गया। अब मैं ये ग्लिटर ले रही हूँ, मिस स्विस मिस का ये ग्लिटर है और बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, इसके अंदर कोई भी लिक्विड नहीं है और ब्रश की मदद से मैं इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ।
अकॉर्डिंग टू मी ये हैक काम कर रहा है क्योंकि ग्लिटर टिक गया है उसके ऊपर, आईलिड के ऊपर। तो जो हमारा थर्ड हैक है वो है कि आप किस तरह से ब्लश ऑन बना सकते हैं अगर आपके पास ब्लश ऑन अवेलेबल नहीं है। आप वीडियो देखें और फिर उसके बाद मैं आपको वो हैक अप्लाई करके बताऊंगी। आप कोई भी लिपस्टिक ले लें जिस शेड में आपको ब्लश ऑन चाहिए, आप वो लिपस्टिक ले लें और आपको उसके साथ चाहिए होगा लोशन। मेरे पास क्योंकि सेपरेट कोई कंटेनर नहीं है इसको बनाने के लिए, तो मैं इसको प्लेट में मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, तो इसको मैं आप ट्राई करेंगे, आप इसको थोड़ा सा हीट अप कर लें पहले। अच्छा, तो ये लिपस्टिक मैंने मिक्स कर लिया, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा लोशन ऐड करूँगी। आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लोशन, जो भी आपको सूट करता है आप वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। आप चाहें तो इसको किसी स्मॉल से कंटेनर में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई सेपरेट कंटेनर नहीं था तो मैं इसको हल्का सा इसके ऊपर लगा के मैं स्किन पे अप्लाई करूंगी। अपनी फिंगर्स की मदद से मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी। बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है मेरी स्किन में। सो इट्स अ यस फॉर मी। अच्छा, तो जो इससे नेक्स्ट है कि वो ये है कि आप किस तरह से कोई भी लिप ग्लॉस जो है उसको मैट किस तरह से उसकी फिनिश दे सकते हैं। तो पहले आप वीडियो देख लें, देन मैं आपको ये हैक अप्लाई करके बताऊंगी। ग्लॉस लगाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने कोई भी, ये मैं ले रही हूँ कॉटन पैड ले रही हूँ, बिल्कुल लाइट सा कोई पेपर ले लेना आपने इस तरह का, इसको आपने लिप्स पे रखना है आपने। लग ही नहीं रहा। पाउडर लेके इसके ऊपर अप्लाई करूंगी। शाइन तो बिल्कुल भी नहीं गई है और ये मैट भी नहीं हुआ है। आई डोंट नो इफ इट वर्क्स और नॉट। लिपस्टिक उतार दी है सारी इसने। इट्स अ नो फॉर मी। मे बी इट डिपेंड्स ऑन द लिप ग्लॉसेस। आई डोंट थिंक कि इस लिप ग्लॉस की शाइन खत्म हो सकती, क्योंकि ये बहुत ही शाइनी सा लिप ग्लॉस है। अगर कोई इस तरह के लिप ग्लॉस हो जिनकी शाइन मॉडरेट सी होती है, एवरेज सी होती है, तो हो सकता है कि इसको मैट कर सकें, लेकिन इस लिप ग्लॉस के लिए इट्स अ नो फॉर मी। इट्स टाइम फॉर द फिफ्थ हैक, वो ये है। आप वीडियो देखें और फिर वापस आए।
आपने क्या करना है, कोई भी लिप बाम लेके या वैसलिन लेके आपने स्किन पे अप्लाई करनी है, लिप्स पे अप्लाई करनी है, और फिर उसके बाद आपने जो भी आई शेड आप चाहते हैं उस कलर की आपको लिपस्टिक चाहिए, आप उसको अपने लिप्स पे अप्लाई कर लें। ये मैंने मिनिसो का लिप बाम यूज़ किया। अब क्योंकि ऑलरेडी मैंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, तो मैं कोई बिल्कुल डिफरेंट सा शेड ट्राई करूँगी। आप कोई भी आई शेडो किट ले लें, उसमें से मैं ये ब्लू वाला शेड अप्लाई करूँगी, ठीक है। इट्स 50-50, क्योंकि हो सकता है कि ये शाइनी लिपस्टिक है इस वजह से अप्लाई नहीं हुआ, या हो सकता है ये लिप बाम की वजह से अप्लाई नहीं हो रहा, आई डोंट नो, बट इट्स अ नो फॉर मी। वीडियो देखकर आए, देन हम उस हैक को अप्लाई करके दिखाते हैं। वीडियो देख लिया आपने, अब मैं इस हैक को अप्लाई करके दिखाती हूँ आपको। कोई भी ग्लू ले लें आप, स्कूल ग्लू, ब्रश की मदद से अपने नेल्स पर इसको अप्लाई करना है और ड्राई होने के लिए छोड़ देना है कुछ देर के लिए, ठीक है। अच्छा, तो 2 मिनट के बाद मेरे ये नेल्स कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर नेल पॉलिश अप्लाई करूँगी। ये मैं ले रही हूँ रेवलॉन की नेल पेंट और इसको मैं अप्लाई करूँगी। अच्छा, तो ये नेल पेंट मैंने अप्लाई कर लिया है। अब जब ये ड्राई आउट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको शो करूँगी कि ये पील ऑफ होता है एक्चुअल में या नहीं होता। अच्छा, तो मैं अब ये नेल पेंट को मैं पील ऑफ करूँगी। कंप्लीटली पील ऑफ हो गई है। इम्प्रेसिव। लाइक अगर आपने नमाज पढ़नी है तब भी आप इसको पील ऑफ कर सकते हैं। किसी इवेंट पे आप गए हुए हैं और बीच में आप नमाज का टाइम हो जाता है, तो आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। किसी भी नेल पेंट रिमूवर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट्स अ यस फॉर मी। अच्छा, तो जो सेकंड लास्ट हैक है वो आप वीडियो देखें, देन मैं आपको वो हैक बताती हूँ कि वो वर्क करता है एक्चुअल में या नहीं, ठीक है। मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया है। अब मैं इस ऑलिव ऑयल को इस कॉटन पैड पे डालूंगी और इससे मैं आपको मेकअप रिमूव करके दिखाती हूँ। ग्लिटर को प्रॉपरली इसने रिमूव नहीं किया, बट इट वर्क्स। लाइक आप माइसिलर वाटर भी अप्लाई करेंगे तो वो भी थोड़ा सा तो टाइम लेगा कम्प्लीटली रिमूव होने में। काजल को ये परफेक्टली रिमूव कर रहा है, मस्कारा को भी। इट्स टाइम फॉर द लास्ट हैक, आप वीडियो देखें। इस हैक के लिए क्या चाहिए हमें, ऑब्वियसली ग्लू चाहिए और इसके अलावा कोई भी चारकोल पाउडर, ये है। मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी ग्लू इसमें ऐड करूँगी। इतनी सी मैंने ग्लू ले ली है,
इसके अंदर में मैं चारकोल पाउडर ऐड करूँगी। ग्लू हो गई, ये चारकोल पाउडर हो गया, अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसको आपने अपने क्लीन फेस पे अप्लाई करना है। मेक श्योर कर लें कि आपकी स्किन पे कोई भी बेस या कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं लगी हो, जिससे कि दरमियान में कोई बैरियर आ जाए, ये मास्क प्रॉपरली वर्क ना कर सके। ब्लू इतनी ज़्यादा आंखों में पड़ रही है। मैंने अप्लाई कर लिए, अब ये जब तक ड्राई होगा कि मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी आंखें नहीं खुल रही मेरी तो। So disturbing for my eyes. I'm not going to complete this challenge. I'm going to wash off my face. I recommend you people that do not try this mask at your home or anywhere because it's really disturbing for your eyes. That's it for today. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट हैक कौन सा था। Till then, Allah Hafiz.